हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोटेक का जो यूपीएस है उसकी बैटरी कैसे रिप्लेस करते हैं। इससे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि जो यूपीएस है वो कैसे बैटरी को चार्ज करता है और हम कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कितना वोल्टेज पर वो चार्ज होता है, वो सब प्रीवियस वीडियो में है। और इस वीडियो में हम बैटरी की जो है वो रिप्लेस करके बेसिकली दिखाएंगे कि कैसे रिप्लेस करते हैं। बहुत इजी है, कोई भी इसको रिप्लेस कर सकता है, कोई ज़्यादा टूल्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप घर पे भी इसको रिप्लेस कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जो है वो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये माइक्रोटेक का जो यूपीएस है वो मैंने पहले से ही अनस्क्रू करके रखा है। तो ये कुछ ऐसे है, ये इसका बोर्ड है और यहाँ इसका ट्रांसफार्मर है। और ये जो बेसिकली ये दो टर्मिनल्स होते हैं जिससे कि जो बैटरी में हमें कनेक्ट करने होते हैं, एक रेड जो वायर है वो पॉजिटिव का होता है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव का। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो इसके कनेक्टर्स हैं, थिम्बल्स हैं, वो ब्रेक हो चुके हैं, तो मुझे ये भी नया रिप्लेस करना पड़ेगा। वो मैं पहले से ही मैं ले आया था, कुछ ऐसे होते हैं। क्योंकि मेरे पास क्रिम्पिंग प्लायर तो है नहीं, तो हम बेसिकली बेसिक जो प्लायर होता है उसी से यू इसको लगाएंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं उसको और नई बैटरी जो है वो कैसे कनेक्ट करते हैं। सो पहले मैं इसके जो ये कनेक्टर है वो मैं इसको कट कर लूँगा। इस कटिंग मल्टीटेक का भी ये जो कटर है इसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है, तो अगर आपने इसको भी अगर इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लें, बहुत अच्छा टूल है ये। ये वायर स्ट्रिपर है, इससे हम इसको वायर को स्ट्रिप कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करनी, बस इतनी ही करनी है ताकि जो ये थिम्बल है इसके अंदर इजीली फिक्स हो जाए। सिर्फ ये जो एंड होता है यहाँ तक करना है, पीछे जो है वो इंसुलेशन होनी चाहिए ताकि जो है वो इजीली जो है वो टाइटली उसके साथ फिक्स हो जाए। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। देखिए ऐसे कर लेना है, हमने इतना इतना जो है स्ट्रिप ऑफ कर लेना है वायर को। कुछ ऐसे ये हो जाएगा, उसको हमने चेक कर लेना है कि ये सही से जो है वो क्रिम्प हुआ है या नहीं हुआ। सेम ऐसे ही हम नेगेटिव पॉजिटिव वाली के साथ भी करेंगे। इस बार इसको थोड़ा कॉइल कर लेंगे, अब ठीक है। तो गाइस ये हो चुका है क्रिम्प जो है अभी। वैसे तो सबसे अच्छा अगर क्रिम्पिंग प्लायर हो तो उसी के साथ होता है, पर वो कॉस्टली होता है तो अभी मेरे पास है नहीं। पर हाँ, नेक्स्ट आने वाले टाइम में ज़रूर उसको बाय करेंगे तो उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। तो ये ऐसे क्रिम्प कर देना है हमने। अब इसको और अच्छे कनेक्शन के लिए हम इसको सोल्डर भी करेंगे बैटरी कनेक्टर के साथ। जो मैं बैटरी जो है वो ये लेके आया हूँ,
ये क्लोराइड सेफ पावर की बैटरी है, सेम स्पेसिफिकेशन है कि 12 वोल्ट 7 एम्पेयर आवर्स। इसका जो प्राइस है वो अगर आप ऑनलाइन बाय करोगे तो आपको 1000 से 1200 या 950 के अराउंड पड़ेगी, पर अगर आप मार्केट से बाय करोगे तो आपको ये 800 की एक्चुअली में पड़ेगी। अगर आप जो ओल्ड बैटरी है आपकी उसे उसको शॉपर को दे दोगे वापस तो वो 100 रुपीज़ लेस कर देगा। तो ये मुझे कंप्लीट पड़ी है 700 की, और इसकी 1 ईयर की वारंटी है। अगर आप यूपीएस में इसको यूज़ करोगे, अगर आप कोई और अदर एप्लीकेशन में यूज़ करोगे तो 6 मंथ्स की वारंटी है। तो ये इसका वारंटी कार्ड है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने दिल्ली में से ही खरीदी है। आप कहीं और से भी ले सकते हो, मैंने आपको प्राइस जो है वो बता दिया है। अब आपको बस कुछ नहीं, इसके जो ये प्लास्टिक के इंसुलेशन कवर्स है वो निकाल देने हैं, इसको थोड़ा सैंड पेपर से जो है वो सैंड कर लेंगे ताकि जो हमारा कनेक्शन है वो इजीली बिल्ट अप हो जाए, उसके पास जल्दी सोल्डर हो जाए। बस ऐसे इसको हमने इसके अंदर सेट कर देना है। ये जो कार्ड है वो निकाल लेंगे ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारे पास काम आ जाएगा। भी सैंड पेपर यूज़ कर सकते हो, बस 150 या 220 का हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो 100 ग्रिट का सैंड पेपर है। सो गाइस, हमने सेंड सेंड कर लिया इसको। अब बस इसको हमने जो है वो जो नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव के साथ ऐसे, और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के साथ। बस ऐसे कर देना है। अभी इसके मैं आपको मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर दे, इसकी वोल्टेज अभी आप देख सकते हो 12.95 है, लगभग 13 वोल्ट ही हो गया, 5 मिली वोल्ट कम है, 96 12.95 ऐसे है। तो हम इसको अब सोल्डर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग पेस्ट लगा दी है ताकि वो जो सोल्डरिंग एलिमेंट है वो सही अच्छे से मेल्ट हो जाए और स्टिक हो जाए उसके साथ। यहाँ पे मैं 25 वोल्ट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 10 वोल्ट या 65 वोल्ट। 65 वोल्ट से जल्दी हीट अप होगा, 10 वोल्ट से थोड़ा टाइम लेगा, पर काम वो तब भी करेगा। बस आपको ऐसे ही थोड़ी देर लगा के रखना है और इसको हीट अप होने देना है। ऐसे एलिमेंट जो है वो मेल्ट हो जाएगा।
देखिए ऐसे हमने सोल्डर कर देना इसको, ऐसे ही मैं इस वायर पे और इस वायर पे भी सोल्डर कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये सोल्डर हो चुका है। तो गाइस अभी इसको हम चेक करेंगे, पहले ये जो इंसुलेशन है वो भी थोड़े हीट अप हैं तो थोड़े कोल्ड हो जाएं, ताकि फिर मैं जो रबर इंसुलेशन है उसको उसके ऊपर चढ़ा दूंगा और देखेंगे कि ये सही से जो है चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बाद चेक करेंगे। गाइस हमने अब इसको री इंसुलेट कर दिया है, हम चेक करते हैं इसको कनेक्ट करके पावर सप्लाई से, मेन से, और मल्टीमीटर चेक करते हैं कि ये चार्ज कर रहा है और जैसा इसको चलना चाहिए यूपीएस को, कि इलेक्ट्रिसिटी चले जाए और ये बैटरी भी हो जाए और जब इलेक्ट्रिसिटी आए तो ये वापस से चार्ज करना बैटरी को शुरू कर दे। तो चलिए चेक करते हैं। अभी इसकी बैटरी जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेते हैं पहले। अभी इसकी है 12.95। अब जैसे इसको मैं ऑन करूँगा तो ये जो मिनी मिनी वोल्ट्स है वो जम करेंगे और ये 13.50 से या 13.40 से ऊपर ही होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। अगर वो नीचे जा रहे तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो प्लेट है उसके अंदर वो वीक है कहीं से, या कोई ट्रांसफार्मर या कोई वायर जो है वो वीक हो गई है, तो आपको वो डायग्नोस करना पड़ेगा। तो अब ये चार्ज हो रहा है। अब मैं इसको जो है पावर्स जो है इसकी यूपीएस की ऑन करता हूँ। अब ये ऑन हो गई है, अब इसका मतलब यूपीएस जो वो ऑन है, चल रहा है। अब मैं मेन सप्लाई जो है वो ऑफ करता हूँ, जैसे कि पावर शट ऑफ हो जाती है तब। अब वो बजर बजा और वो बैटरी से कनेक्ट हो गया। अब थोड़ी देर बाद ही जब जैसे लाइट जो है वो वापस आती है तो वो स्विच ऑफ हो गया, कट कर दिया उसने, और वो दोबारा से जो है वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो गया जो मेन सप्लाई से है। अब क्योंकि हमारी बैटरी उसमें थोड़ी सी यूज़ हुई थी तो वो दोबारा से उसको चार्ज करेगा। सो यही सारा कॉन्सेप्ट है इसका, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। बस इसकी यही है कि 1-2 साल के बाद बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है। वो मैंने आपको बताई है कि मेरी बैटरी फूल गई थी, क्रैक हो गई थी, जो कि मैंने चेंज कर ली अब। तो आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और बस अभी जो है वो इसको मैं दोबारा से जो है रीअसेंबल कर दूंगा और अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। सो टिल देन, बाय बाय।